press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान के स्कूलों में अब ऐसे टीचर नियुक्त होने जा रहे हैं जिनके मुख्य सब्जेक्ट में माइनस मार्किंग है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक ग्रेड सेकंड के घोषित किए गए रिजल्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। अध्यापक ग्रेड सेकंड के लिए क्वालिफाई करने वाले एक अभ्यर्थी को जीके और एजुकेशन साइकोलॉजी के पेपर में 0 और गणित में -9.79 अंक मिले हैं। रिजल्ट आने के बाद अब जल्द ही उसे स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। इस चयनित अभ्यर्थी की मार्कशीट अब सार्वजनिक हुई है जिसमें यह खुलासा हुआ। RPSC द्वारा यह परीक्षा 30 जून 2017 में आयोजित की गई थी जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग बैठे थे। 662 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें से 660 पदों पर ही परिणाम घोषित किए गए हैं। इस परीक्षा के 24 फरवरी को घोषित रिजल्ट से पहले 10 फरवरी को भी परिणाम घोषित किए गए थे। इस रिजल्ट का प्रदेश भर के परीक्षा देने वाले छात्रों ने विरोध किया था। इसके बाद आयोग ने रिजल्ट को संशोधित किया था। गौरतलब है कि अध्यापक पद की 662 वैकेंसी के लिए आयोजित इस परीक्षा में ST कैटेगरी के पुरुषों के लिए 106 स्थान आरक्षित है। घोषित रिजल्ट में जिस अभ्यर्थी ने क्वालिफाई किया है उसे गणित में -9.79 नंबर मिले हैं। रिजल्ट से नाखुश अभ्यर्थियों ने रोल नंबर 258064 की मार्कशीट निकाली है। इसकी जन्म तिथि 5 अप्रैल 1995 है। यह अभ्यर्थी ST क्षेत्र से है। इसकी मार्कशीट में जीके और एजुकेशनल साइकोलॉजी के पेपर में 0 अंक हैं, जबकि मुख्य पेपर गणित में -9.79 अंक हैं। इसे मेरिट में 659 नंबर पर रखा गया है और यह चयनित अभ्यर्थी है। इसके चलते आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं। सवाल यह भी है कि विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से क्या सीखेंगे। उधर RPSC ने सफाई दी है कि नियमों के तहत ही यह चयन किया गया है और संबंधित कैटेगरी की कट ऑफ के आधार पर नियुक्ति दी गई है।